नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता ट्यूर। आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। देश भर में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, हर रोज नए मामले बढ़ रहे हैं, जिसके कारण अस्पतालों में व्यवस्था भी चरमरा गई है। अस्पतालों में बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स की जद्दोजहद के बीच लोगों की संक्रमण से जान भी जा रही है। ऐसे में जरूरी है कि हम सब इस संक्रमण से खुद को बचाकर रखें। कोरोना के नए और खतरनाक स्ट्रेन से कैसे बचा जा सकता है, इन सब बातों पर हमारे साथ आज जुड़े रहेंगे मेडिकल एक्सपर्ट। उनसे हम सवाल पूछेंगे, यानी सवाल आप पूछेंगे, हम भी कुछ सवाल करेंगे और आपके और हमारे उन तमाम सवालों का वो जवाब यहाँ पर देंगे। अगर आपके जहन में भी, आपके मन में भी कोई सवाल आ रहा है तो आप अपना फ़ोन उठाइए और हमें कॉल कर अपने तमाम सवालों के जवाब आप डॉक्टर साहब से ले सकते हैं। डॉक्टर साहब आपसे कुछ ही देर के बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगे। 011-4321-4321 ये हमारा नंबर है, इस नंबर पर आप हमें कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद सीधी बातचीत आप हमसे कर पाएंगे और जो सवाल आपका होगा वो डॉक्टर साहब से आप पूछ पाएंगे। लेकिन कुछ अहम जानकारियां कोरोना से संबंधित, कोरोना से जुड़ी आपको हम दे देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। सबसे पहले दिखाते हैं आपको वैक्सीन के लिए आप अपने आप को अगर रजिस्टर कराना है तो कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये आपको हम बता रहे हैं। वेबसाइट के ऊपर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके साथ ही नंबर के वेरिफिकेशन के बाद रजिस्ट्रेशन का जो पेज है ये पेज खुल जाएगा। उसके बाद अपनी जानकारी आपको इस पेज के ऊपर साझा करनी होगी। जानकारी भरने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद अपॉइंटमेंट डेट तय कर सकते हैं। दोनों स्ट्रेन एक ही वायरस के दो रूप है, फर्क सिर्फ वायरस में मौजूद प्रोटीन का है। वायरस इंसानी कोशिका से प्रोटीन के सहारे जुड़ता है। पुराने नए स्ट्रेन में इसी प्रोटीन के प्रकार में बदलाव है। नए स्ट्रेन में यह प्रोटीन आसानी से इंसानी कोशिका से जुड़ता है। आसानी से इंसानी कोशिका से जुड़ने पर तेजी से फैला वायरस। नए वेरिएंट के कम से कम 17 रूप बताए जा रहे हैं। और चलिए बिना समय गवाए अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर अनीता रमेश जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अनीता रमेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। तो हम जिस तरीके से आपसे लगातार कह रहे हैं कि 011-4321-4321 पर आप हमें कॉल करिए, डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और कोई भी अगर आपका सवाल है, आपके जहन में किसी तरह का कोई भी सवाल कोरोना से संबंधित, कोरोना से जुड़ा अगर आ रहा है तो वो सवाल आप यहाँ पर डॉक्टर साहब जो हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके सभी सवालों का जवाब यहाँ पर जरूर मिलेगा। डॉक्टर अनीता रमेश जी, जब तक कोई कॉलर, कोई दर्शक हमारे साथ जुड़े, उससे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, खौफनाक मंजर अस्पतालों का देखने को मिल रहा है। ऐसे में आप जो जनता टीवी के जो दर्शक हैं इस वक्त जो हमें और आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? कि कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक है, अभी सेकेंड वेव लग रहा है, दूसरा विदेशों में भी आ चुके हैं, अभी हमारा देश में भी तेजी से चल रहा है। एक कुछ वेरिएंट वायरस है, अलग सा है, जो अगला साल आया उससे कुछ डिफरेंट है। इसका तरीका, स्प्रेड करने का तरीका भी डिफरेंट है, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। यूजली अगला बार जब एल्डरली आदमियों को हो चुका है, इस बार बच्चे, यंग पर्सन को भी ज्यादा ये वायरस अफेक्ट कर रहे हैं। तो इसके वजह से हमारे के लिए बहुत ही वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, पुट आवर गार्ड। सबको बोलना चाहते हैं मास्क खोलना नहीं है, बिल्कुल। इस बार एयरबोर्न है। अरिता जी, आप अपनी बात को पूरी कीजिएगा, यहीं से आप अपनी बात को पूरी कर सकते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे, क्योंकि हमारे जो तमाम दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ने लगे हैं और हमारा मकसद ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें और उनके सवालों का जवाब उनको मिले, उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। लक्ष्य हमारे साथ जुड़ गए, राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर, क्या सवाल है आपका, पूछिए। यस डॉक्टर, मैं अभी लास्ट 5 डे पहले मैं एक पॉजिटिव पेशेंट के कॉन्टेक्ट में आया था। तो आफ्टर 5 डेज मैंने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है घर में ही। मेरे को थोड़ा बहुत कफ है और कोई सिम्टम नहीं है, तो मेरे को आगे क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए? ओके, तो आपके साथ एक पॉजिटिव आदमी का जो हुआ था 5 दिन पहले, तो आप क्वारंटाइन में हैं, अच्छे हैं। तो आपके पास बुखार अगर नहीं होगा, जुकाम नहीं है, खांसी नहीं है, सांस फूलना नहीं है, ओके, उसके लिए तो आप होम क्वारंटाइन अच्छे से खत्म कर लीजिए। अगर
बुखार आ गया है, कमजोरी है बदन में, थोड़ा सिर दर्द हो रहा है, ओके, जुकाम है, खांसी है, सांस फूलने लगा है, आपको तुरंत जाना पड़ेगा बगल में हॉस्पिटल में, जाने के बाद आपको ये कराना पड़ेगा, आरटीपीसीआर कराना पड़ेगा, चेस्ट का स्कैन कराना पड़ेगा और ब्लड टेस्ट कराना है, हो गया। अगर सब कुछ ठीक ठाक है, पॉजिटिव है, तो होम क्वारंटाइन अच्छा है, और अगर उसमें किसी को गलत निकला, जैसे कोरैक्स ज्यादा है चेस्ट के अंदर, डी डायमर ज्यादा है, इंटरव्यू का काफी है, तो उसके लिए हम लोग हॉस्पिटल एडमिट कर लेंगे। तो प्लीज कीप योरसेल्फ अंडर ऑब्जर्वेशन एंड क्वारंटाइन। अगर इस हमने 5-6 चीज बताएं, अगर कुछ भी दिखाई दे रहा है, प्लीज कम टू द मेडिकल हेल्प। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्य जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। हमारे साथ अजयपाल जी जुड़ गए करनाल से। अजयपाल जी हमारे एक और दर्शक। अजयपाल जी क्या सवाल है आपका, पूछिए डॉक्टर साहब से। हाँ जी, ऐसा है मैडम, मेरा एक लड़का है, तो उसको थोड़े से मेरे को लगा कि बुखार, सर दर्द, उसके टांगे वगैरह दर्द की हैं, तो मुझे शंका है कि शायद उसको कुछ ऐसा ना होगा होगी, तो मैं क्या समझूंगी, ये एक वायरल फीवर है या ये कोरोना हो सकता है? ओके, आपने ठीक बताया। इसी समय क्या होता है, हमको कभी कभी जस्ट वायरल फीवर होता है, जुकाम होता है, तो सपोज हम लोग पहले क्या करते थे, ओके, घर पे इलाज करते थे, पैरासिटामोल देते थे, मॉन्टैक देते थे, सेट्रिजन देते थे, उससे जुकाम ठीक हो जाता है। बट अभी वो ऐसा नहीं करना है, अभी किसी का भी फीवर हो, बुखार है, तो तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है। पर्टिकुलरली 2 दिन का बुखार, सिर दर्द चल रहा है, नाक से पानी निकल रहा है, खांसी हो रहा है, वो बच्चा हो कि बड़े हो, सबको हमको हॉस्पिटल ले जाना है, उसके बाद टेस्ट कराना है, आरटीपीसीआर जैसे हमने पहले बताए, और स्कैन भी कराना है। तो ये अभी अगर हम लोग 10 साल पीछे थे, तो ये वायरल फीवर बोल के हम छोड़ देते थे, हम बोलते नहीं है आप हॉस्पिटल आ जाइए, बट इसी पैंडेमिक के समय ये छोटा सा भी फीवर आपको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। प्लीज कम गो टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल का जरूरत नहीं है, अभी सब हॉस्पिटल में कोरोना का इलाज चल रहा है, एटलीस्ट आरटीपीसीआर वो लोग कर लेंगे, डॉक्टर्स आपको देख लेंगे, ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आ जाएगा, स्कैन भी करा लीजिए बच्चे का, तो हमको पता चल जाएगा। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो आपको है ये वायरल फीवर है, कोरोना नहीं है, बट अगर किसी में पॉजिटिव हो गया, हम लोग इलाज शुरू कर देंगे तुरंत, सो प्लीज कम टू हॉस्पिटल जी। बहुत शुक्रिया आपका अजयपाल जी। और अब अगले हमारे जो दर्शक हैं वो हैं आशीष। आशीष जी हमारे साथ हैं। आशीष जी कहाँ से बोल रहे हैं, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर मैं पानीपत से बोल रहा हूँ जी, बोलिए। ये बताइए सर, मेरे को जो ये आरटीपीसीआर टेस्ट होता है जी, पूछिए पूछिए पूछिए, आप अपना सवाल पूछिए, आपकी आवाज हमें भी आ रही है और आरटीपीसीआर है, इससे भी नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है, और उसके बाद भी पॉजिटिव होने के बाद भी, उसके बाद भी। ओके, आरटीपीसीआर के ऊपर आप बहुत बता रहे हैं। देखिए, आरटीपीसीआर है एंटीजन टेस्ट, ये हम देखते हैं शरीर के अंदर वायरस का कितना एंटीजन हो गया है। तो कभी कभी आरटीपीसीआर पॉजिटिव होता है, उसके बाद 3 हफ्ता से 6 हफ्ता के अंदर नेगेटिव हो जाता है। ओके, तो अगर आप आरटीपीसीआर कर चुके हैं और अगला आरटीपीसीआर 1 हफ्ता के बाद नेगेटिव हो गया, मे बी आपका वायरस का इंफेक्शन थोड़ा पहले भी हो चुका है, उसी लिए अभी सेकेंड टेस्ट नेगेटिव हो रहा है, ये एक बात है। और ये अच्छा बात है कि आरटीपीसीआर सेकेंड नेगेटिव है कि हम अच्छे कर रहे हैं। और इसके साथ साथ में हमको स्कैन कराना है, लो डोज सीटी स्कैन चेस्ट का, छाती का कराना है, बहुत ही जरूरी है। अगर आरटीपीसीआर नेगेटिव है और आपका छाती का स्कैन क्लियर है, तो आप डरने का बात नहीं है। अगर आरटीपीसीआर नेगेटिव है बट छाती में दिखाई दे रहा है कोरेट 4 कोरेट 5, हमारे बहुत सारे कैंसर पेशेंट ऐसे आया है, आराम से हमारा ओपी में आ चुके हैं, बोला मैडम देख लीजिए हमारा आरटीपीसीआर नेगेटिव है, बट हमने जो जब सीटी स्कैन करवाए दिखाई दिया उनका कोरेट 4 कोरेट 5 ऐसा चल रहा है, लंग इन्वॉल्वमेंट है। तो दिस इज एन इनडायरेक्ट एविडेंस कि यस आपका वायरस का इंफेक्शन है, आपको तुरंत इलाज कराना है, क्वारंटाइन में रखना है, और डॉक्टर से भी मिलना है फीवर क्लिनिक में, बिकॉज इलाज करना है, इवन दो आरटीपीसीआर आपका नेगेटिव है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। सतबीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे एक और दर्शक। सतबीर जी आपका क्या सवाल है, आप क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, पूछिए। सर मेरा सवाल ये है कि कई बार मरीज भ्रम की स्थिति में पैदा हो जाती है कि वो खांसी है, बुखार है, ये जब वो टेस्ट कराता है तो उसको सब कुछ नेगेटिव मिलता है,
और नेगेटिव मिलने के बाद दोबारा से फिर गई। जैसे अभी अभी बात सुन रहा था मैं आपकी, मेरे से पहले कॉलर के बारे में जब मैडम बता रही थी, तो आज के ये नेगेटिव है तो ठीक है, आप दोबारा से भी चेक करा सकते हैं, ये इसको कन्फर्म हो जाएगा। आप भी वही ज्योतिष विद्या वालों की तरह घुमा फिरा के बात को घुमा फिरा के ऐसे प्रस्तुत करते कि पेशेंट अपने आप भ्रमित हो जाता है यार, उसको वो तो नेगेटिव बोल रहा है, ये मैडम वो दोबारा चेक कराने को बोल रही है, प्लीज ऐसा मत करो, हमें सही सही मार्गदर्शन ये बताओ भाई, ये लक्षण है तो आप पॉजिटिव हो, ये लक्षण है तो आप नेगेटिव हो। नहीं, दिक्कत तो ये आ रही है ना सतबीर जी कि कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि आरटीपीसीआर टेस्ट करने के बावजूद आपको बेशक लक्षण है लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, तो ऐसे में आपको सावधानी बरतनी है। हो सकता है कि दो तीन दिन बाद आपका फिर से आरटीपीसीआर होता है तो फिर हो सकता है वो पॉजिटिव आ जाए, और इसीलिए डॉक्टर साहब ये बात कह रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं सही कह रहा हूँ? आपने सही कहा है, आरटीपीसीआर ज्यादा लोग को 80% को 90% को पॉजिटिव आएगा, किसी को भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आने से आपके का डर नहीं गया, आपको डरने का बात है बिकॉज आपका दूसरा सिम्टम्स है, खांसी है, बुखार है, लंग्स में चेंजेस है, आपका डी डायमर ज्यादा है, इंटरल्यूकिन ज्यादा है, तो उसके वजह से आप हम लोग उनका आपको कोरोना जैसे पेशेंट को जैसा ट्रीट करते हैं आपको ट्रीट करेंगे। ओके, दो आरटीपीसीआर नेगेटिव, आरटीपीसीआर हम और भी एक बात बताना चाहते हैं आपको कि ये जो आरटीपीसीआर पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में आपने जो बोले हैं कि अगर हम आज आरटीपीसीआर किए हैं, ओके, आज नेगेटिव है, आप बस आपका खांसी बढ़ रहा है, बुखार बढ़ रहा है, जुकाम है, लंग्स में सांस फूल रहा है, अब हम तीन चार दिन बाद में भी आरटीपीसीआर रिपीट करते हैं हॉस्पिटल में, वो पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टेस्ट गलत है, सेकेंड टेस्ट ठीक है, और गलत किस बात नहीं है, क्योंकि वायरस का लोड बढ़ रहा है, जब पीक में आएगा तब हमको पता चल जाएगा, तो इसलिए थर्ड डे से हमारा रिजल्ट ज्यादा आता है, तो थर्ड डे पॉजिटिविटी मिलता है, फर्स्ट और सेकेंड डे में नेगेटिव मिलता है, दिस इज अ नेचुरल फेनोमेनन, इस रिपोर्ट में कुछ गलती नहीं है, ये होता ही है, बहुत सारे टेस्ट में भी होता है, जैसे टाइफॉइड में अगर आप फर्स्ट वीक का उसका बुखार में टेस्ट करिए वो नेगेटिव है, हम लोग बोलते हैं सेकेंड वीक दूसरा वीक जब बुखार चलते हैं उसी समय टाइफॉइड का टेस्ट कराइए, क्योंकि टाइफॉइड का जो एंटीबॉडीज एंटीजन उसी समय दिखाई देता है, उसको टाइम देना चाहिए आने के लिए, हम लोग को डिटेक्ट करने के लिए, दैट इज द रीजन, एक बार नेगेटिव दूसरा बार पॉजिटिव है, वो समटाइम्स फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, वो लैब का एरर है, बट इज वेरी मिनिमम, बट दिस इज द नेचुरल फिनोमेना, नेगेटिव हो सकता है उसके बाद भी पॉजिटिव, उसके लिए घबराने का जरूरत नहीं है, वो बीमारी धीरे धीरे, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा। मोहनलाल हमारे साथ हैं पानीपत से, मोहनलाल जी आपका सवाल क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से, पूछिए। अमित जी मैं ये कहना चाहता हूँ की सारा दिन जो मुँह पर मास्क रखना बहुत मुश्किल है, और आजकल कपड़े के मास्क आ गए हैं और उनको कैसे यूज करना है, और दूसरा जब हम घर से निकलते हैं बाहर कोई सीढ़ियां चढ़नी है, कोई और जैसे काम धंधे करने हैं, तो उसमें भी बता रहे हैं भी ये कोरोना चपेट में ले सकता है, तो इसके बारे में हमें मैडम स्पष्ट करें जी। आपने आपका एकदम सवाल जो आपने किए हैं बहुत ही जरूरी है इसी समय में, तो मास्क के बारे में बताते हैं, एक तो है सर्जिकल मास्क, ये सर्जिकल मास्क क्या होता है, हम लोग हॉस्पिटल के अंदर पहनते हैं, सिक्स लेयर्स है, उसमें रेस्पिरेटर है, उसमें से यू कैन गेट सम सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन कमिंग इनसाइड, तो सिक्स लेयर मास्क आपको बाहर पे हॉस्पिटल के बाहर पे नहीं लगाना है, बट आपने जो बोले हैं अभी जो मास्क लगा करके ऑल डे रहना है, बिकॉज अभी हमारा रिसेंट लैंसेट में एक पेपर आया है, उसमें दिखाई गया है इस बार जो सेकेंड वेव आया है कोरोना वायरस आपका इससे फैल रहा है, एयरबॉर्न हवा से फैल रहा है, तो और भी जरूरी है मास्क लगाना, ये आपने बहुत ही इवन आई फील हम लोग सारा दिन काम करते करते पेशेंट देखने के समय आई फील ब्रेथलेस, थोड़ा देर बाद में के बाद काम नहीं कर सकते, सो अगर ये सो बट व्हाट हैपेंस इज जब भी आप बाहर हो अभी अंदर भी हो मास्क पहनते रहिए, बोलते हैं डबल लेयर मास्क अच्छा है क्योंकि उसके से आपका प्रोटेक्शन ज्यादा है,
आई अग्री विद यू से आप कसे भी चलने में ज्यादा काम करने में थोड़ा ब्रेथलेसनेस होगा, बट उसी समय बैठ जाइए, थोड़ा रेस्ट ले लीजिए और दोबारा करिए। मास्क उतरना नहीं है बिकॉज सब जगह के अंदर वायरस है। हम लोग भी वैसे काम करते हैं हॉस्पिटल में आपका जैसे है, हम लोग को भी होते हैं, हम लोग रेस्ट ले लेते हैं उसके बाद दोबारा मास्क लगा करके अपने आप काम करते हैं। आपको ऐसे करके कोरोना से जीना है, हमारा जिंदगी अभी हो गया कोरोना, हम एक साथ रहना है तो बहुत सारे तरीका है कैसे जीने के लिए, तो ऐसे आपको करना ही है। बिल्कुल, हमारे जो अगले दर्शक हैं वो हैं राम कुमार जी, रोहतक से। राम कुमार जी, आपका क्या सवाल है, आप क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, पूछिए। चालू है लाइट जी। राम कुमार जी, सबसे पहले आप अपनी टीवी की आवाज को कम करिए, उसके बाद ही आपकी बात को हम समझ पाएंगे। नमस्कार जी, नमस्कार, पूछिए सवाल जी। हमारा सवाल ये है जी, के नाम से ये जो टीके जो लग रहे हैं डॉक्टर साहब के नाम, ये टीके लगाने से डर रहे हैं, ताकि जो हमारे पड़ोस में दो दिन आदमी टीका लगवा के आए, उनको बहुत ज्यादा तबीयत खराब होगी एकदम अचानक से, इसके बारे में बताओ। टीका के बारे में बताते हैं, उसके बाद आपका सवाल में हम आएंगे। तो हमारा जो टीका अभी इंडिया में अप्रूव्ड है, दो टीका है, कोविशील्ड फ्रॉम सेरम इंस्टीट्यूट और दूसरा टीका कोवैक्सीन फ्रॉम भारत बायोटेक। ये दोनों टीका हमारा देश में ट्रायल्स हुआ है, DCGI ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिलने के बाद ही ये दोनों टीका हम लोग मरीज के अंदर और नॉर्मल आदमी के अंदर शुरू किया है वैक्सीनेशन ड्राइव। तो अगर उस रिजल्ट में देखिए उसमें क्या है, less than 1% चांस आपका साइड इफेक्ट होने का, और वो भी बहुत मामूली साइड इफेक्ट होता है, कभी दर्द होता है, कभी बुखार होता है, कभी थोड़ा कमजोरी होता है, बस उसके बाद ज्यादा इसी टीका में साइड इफेक्ट नहीं है। रिजल्ट में भी दिखाई गया इतना बढ़िया साइड इफेक्ट नहीं है, बट फॉरेन कंट्रीज में दिखाई गया था कि क्लॉटिंग का प्रॉब्लम होता है, बट वो इंडिया में नहीं है। अभी तक इतना करोड़ों का वैक्सीन दे गया है, वेरी लेस चांस ऑफ एनी साइड इफेक्ट। नेक्स्ट, दूसरा बात, आपका पड़ोसी का वैक्सीन लेने के बाद क्या हुआ वो हम बोल नहीं सकते बिकॉज हम पेशेंट भी नहीं देखे, आपको भी शायद पता नहीं होगा। तो काफी एक बार हुआ था एक इंसिडेंट, एक वैक्सीन देने के बाद तबीयत खराब हो गया आदमी का, बट उनका बेटा से हम लोग जब पूछे, बेटा बताया पिताजी का तकलीफ पहले से भी खराब था, वो वैक्सीन लिया। तो ये वैक्सीन का मतलब नहीं है वैक्सीन से खराब हुआ, वैक्सीन अभी नो साइड इफेक्ट, वेरी वेरी सेफ है जो वैक्सीन है, उसका साइड इफेक्ट उसका उन बॉडी में भी हो सकता है, कुछ भी, किसी का भी कुछ हार्ट का प्रॉब्लम, लंग्स का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम अचानक भी हो सकता है, वो वैक्सीन से शायद रिलेटेड नहीं है। तो इसी फोरम में हम बैठ करके बोल नहीं सकेंगे कि आपका पड़ोसी का तबियत खराब हो गया किस लिए, बट टेक इट फ्रॉम मी इट्स नॉट ड्यू टू वैक्सीन। वैक्सीन पे ज्यादातर सर्वे भी हुआ जिसमें कहा गया कि सिर्फ 10 लाख में से 5 लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना की जो वैक्सीन लगाई गई उसका थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिला, यानी कि 10 लाख में से सिर्फ 5 लोगों के ऊपर ऐसा लगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं उसका असर हुआ है, कोरोना वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो देखने को मिले, अदरवाइज़ बहुत कम चांसेस, जिस तरीके से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसका कोई बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है या इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। हमारे साथ हमारे एक और दर्शक हैं, विजय हमारे साथ हैं अम्बाला से। विजय जी, क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब कोविड आता है तो उसके लक्षण क्या क्या हैं? जी ओके, कोविड के लक्षण क्या होता है, यूजुअली ये वायरल वायरस है, हमारा मुंह का नाक से अंदर जाते हैं, गला के अंदर अटक जाते हैं, उसके बाद अंदर जाकर के लंग्स में बैठ जाते हैं, लंग्स का इंफ्लेमेशन कराते हैं। तो इसी हिसाब से इसी जगह में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, जैसे खांसी होता है, खांसी से सांस फूलता है, कभी बुखार आता है, तेज बुखार आता है, सिर दर्द करता है, नाक मुंह अंदर जाम हो जाता है उसके साथ साथ कुछ आदमी का चक्कर भी आता है बॉडी में, होल बॉडी में, जैसे वायरल फीवर में होता है, सारा बदन में दर्द होता है, कमजोरी फील करते हैं। तो यही है लगभग वेरी कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कोरोना। इसके अलावा अभी नया जो वायरस है इसमें स्ट्रेन में दिखाई गया, कभी लूज मोशन भी होते हैं, पेट का दर्द भी होते हैं, और इसके साथ साथ स्मेल, हम स्मेल नहीं कर पाते हैं क्या है, और स्मेल एंड टेस्ट भी चले जाते हैं।
ओके जो खाना खाते हैं आपको पता नहीं चलेगा कि क्या खाना है और जो स्मेल करते हैं कौन सा है फ्लेवर और हमने स्मेल एंड टेस्ट भी चले जाते हैं। ये सब लगभग कोरोना के वेरी टिपिकल प्रेजेंटेशन आदमी ऐसे करके प्रेजेंट करते हैं हमारे पास हॉस्पिटल में। जी बहुत शुक्रिया आपका विजय जी, उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा। रतिलाल जी हैं हमारे साथ झज्जर से। रतिलाल जी आप क्या पूछना चाहते हैं कोरोना से संबंधित? हेलो, क्या सवाल आपके जहन में? जी पूछिए। हेलो रतिलाल जी आपकी आवाज हमें आ रही है, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो मैडम जी। जी बोलिए बोलिए, सुन रही है मैडम? हेलो डॉक्टर साहब। यस यस बताइए बताइए सर। हाँ मैंने दो टीके लगवा लिया जी, मेरी उम्र 62 साल है। ओके मैं ड्रिंक करता हूँ कोई उसको? हेलो जी बताइए। रतिलाल जी आपकी आवाज हमें आ रही है, आप अपनी अपनी बात पूरी करिए, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब को आपकी आवाज आ रही है, सुन रही है वो? डॉक्टर साहब मैं ड्रिंक करता हूँ, टीके लगवाने के बाद कोई दिक्कत तो नहीं है जी? डॉक्टर साहब ठीक है ठीक है, आपने लगा लिया एक फर्स्ट डोज सेकेंड डोज के, बहुत बढ़िया है। और दर्शकों के लिए ये भी एग्जांपल है कि हम लोग सब तुरंत जा करके अपने अपने टीका लगा लेते हैं, एक ही हमारे पास यही तलवार है कोरोना वायरस से युद्ध लड़ने के लिए, एक बात तो हो गया है। आप थैंक यू वेरी मच, हम भी हमारा टीका लगा लिया है, बहुत जरूरी है। सेकेंड ड्रिंक अल्कोहल के बारे में थोड़ा सा हम लोग बोलते हैं दारू पीना नहीं है, बट कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है दारू पीने से वैक्सीनेशन से। ओके बट इट जनरल हेल्थ के लिए हम आपको बता रहे हैं, हम सबको बताते हैं जो हमारा मरीज हमारे ओपीडी में रोज आते हैं, टेक योर वैक्सीन, डोंट स्मोक एंड डोंट ड्रिंक, बिकॉज स्मोकिंग से अपना लंग्स भी खराब होता है, ऑलरेडी जो स्मोकिंग कर चुके हैं ऑलरेडी डैमेज है, उसके ऊपर वायरस में से जा करके बैठेंगे और भी प्रॉब्लम करेगा। और ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग गो टुगेदर, रिस्क बढ़ते रहते हैं, ड्रिंक से आपका शरीर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, बहुत सारे यानी कोइंसाइड विद स्मोकिंग ऑल्सो करते हैं। सो एज सच दर्शकों को हमने भी बोल सकते हैं कि आप ड्रिंक करिए, डोंट ड्रिंक डोंट स्मोक। ओके और इसके साथ वैक्सीन के साथ कोई अटैचमेंट और कोई रिलेशनशिप नहीं है। ओके बट प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ सर 62 या थैंक यू सो मच। बिल्कुल और रतिलाल जी वैसे भी कहा जाता है कि ड्रिंक करना तो वैसे भी सेहत के लिए हानिकारक है, जितना आप बच सकते हैं अच्छी बात है, अपने आप का बचाव करिए और उससे दूर रहिए। हमारे साथ लक्ष्य हैं दिल्ली से, हमारे एक और दर्शक। लक्ष्य जी दक्ष माफ कीजिएगा लक्ष्य नहीं दक्ष हमारे साथ हैं। दक्ष जी आपका क्या सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं आप, पूछिए। हाँ आपके लिए हम क्या करें जी, दोबारा से अपना सवाल जो है वो दोहराइए, आपकी आवाज ठीक से आई नहीं, क्या क्या पूछ रहे हैं आप दक्ष? कोरोना वायरस के बचने के लिए क्या करें जी? डॉक्टर साहब ओके दर्श ओके आपका आवाज सुन के अच्छा लगा, ओके बहुत ही मीठा था। ओके दर्श अभी बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है हमारे सबके सामने में, कोरोना वायरस से हम क्या करें बचने के लिए, आपका भी सवाल नहीं है, हमारा भी सवाल है, जनता का भी सवाल है और देश का भी सवाल है, सबका सवाल है, हमको एक साथ लड़ना है। तो बचने के लिए एक स्पष्ट एक बात बताते हैं कि आप मास्क कभी उतारना नहीं, कहीं से जाओ कि कुछ भी काम करो मास्क अपना डबल लेयर मास्क मुंह के ऊपर लगाते रहिए, सब कुछ काम करिए, बहुत नजदीक किसी के पास नहीं जाना है, दो गज दूरी सब समय रखना है। दूसरा है सैनिटाइजर यूज करिए, ओके क्राउडेड प्लेसेस में मत जाइए जहाँ पे इलेक्शन का इकट्ठा हो रहा है, रिलीजियस फेस्टिवल, शादी हो रहे हैं, मॉल ऐसा बिकॉज सब बंद हो चुका है, तो इसीलिए डिस्टेंस मेंटेन करिए। अगर आपका पड़ोसी और घर पे जो वैक्सीन का अप्रोप्रिएट एज है उनको लेने के लिए बोलिए, तुरंत जाकर के अपने अपने डोज लेने के लिए बोलिए, सब जगह में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करिए, तो ये आपके लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। एज ऑन टूडे ये हमारे पास यही खाली है कि हम कैसे इसी 5-6 पॉइंट हम आपको जो बताया इसी से हम कोरोना वायरस को लड़ते रहेंगे। और एक बात बताना चाहते हैं इसके साथ साथ, अगर वायरस भी आ गए हैं तो तुरंत इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, थोड़ा बहुत की सिम्टम हो गए बगल में किसी भी हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर, टर्शियरी नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेज, कहीं पे जा करके अपना टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि जल्दी जल्दी पकड़ गया इसका चांसेस ऑफ गेटिंग गुड इज वेरी गुड, 95% से ज्यादा है, हम लोग सब ठीक हो जाएंगे। बट अगर सही ढंग से सही टाइम में आपको हॉस्पिटल पहुंचना है तो देर नहीं करना, अगर हो गया है तो
एकदम आराम से आप जाएंगे, ठीक होकर वापस आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अमित हमारे साथ हैं। अमित, क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, मेरा सवाल ये है कि जो हमारे गांव, जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण जो हमारे एरिया हैं ग्रामीण इलाकों में, आज भी लोग इतने जागरूक नहीं हैं, और वो जो है अभी भी जो कोरोना वायरस के जो नियम हैं और जो उनको पालन नहीं कर रहे हैं, ना तो प्रॉपर ढंग से हाथ धो रहे हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल समझ गया अमित आप क्या कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बात बिल्कुल सही है कि ग्रामीण इलाकों में अभी भी लोग जागरूक नहीं है, लोग कोरोना को मान ही रहे हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ शहरों में, गांव में कोरोना नहीं है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और एक डर उनके मन में जरूर होना चाहिए? हम ये नहीं कह रहे हैं कि इतना डर हो जाए कि उनके लिए जीना मुश्किल हो जाए, लेकिन अगर डर रहेगा तो बचाव भी करेंगे। यस अमित सर, आपने ठीक बताया, अंजलि ऑल्सो ठीक बताते हैं कि हमारा वहीं पे अवेयरनेस नहीं है। वो लोग सोचते हैं यहाँ पे ज्यादा आरती नहीं है, हम खुले छत के ऊपर की गांव में है तो कुछ वायरस इकट्ठा नहीं है, वायरस नहीं आ सकता। वैसा नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ गांवों में भी बहुत सारे पेशेंट्स आए हैं, स्प्रेड हो रहा है। सेकेंड वेव कैसे करके आएगा वो उसको हमारा पता नहीं है। डॉक्टर साहब, समय की कमी है, माफी चाहेंगे, अब हम कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद है कि हमारे तमाम जो दर्शक